एक बार देख के आते हैं क्या है नॉलेज के लिए। बाकी हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम मेन दोनों भाई इसलिए देखने जा रहे हैं पिक्चर क्योंकि जिस पिक्चर पे पहले से इतना बवाल चल रहा है तो अब तो उसको देख के आना बनता है कि भाई क्या बात है। छोटी गाड़ी में ही फायदा, आपने मेरे दिल की बात कह दी। आते हैं इसके रिव्यू कैसा है। मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दूंगा, मैं किसी का देख के नहीं, मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दूंगा आप लोगों को। हेलो दोस्तों, बाल्टी कारे, हाँ कैसे हो आप सारे, ठीक हो? और बस ऐसी मन कर आज बात करने का, आज ऑफिस की छुट्टी है क्योंकि नोएडा में ना इलेक्शन है, नोएडा में आसपास जितना भी एरिया है इलेक्शन है, तो आज छुट्टी है तो मैंने कहा आप सबसे ज़रा बात करी जाए। और आज छुट्टी है तो इसी बात पे मैं सोच रहा हूँ, ज़रा एक मूवी आई है केरला स्टोरीज, आप सबको पता होगी, तो मैंने सोचा एक बार केरला स्टोरीज भी देख कर आएँ। खाना पीना खा के मैं फ्री हो चुका हूँ। आज देखो मैंने खाने में क्या खाया है। ये वाला खाना था बढ़िया रोटी, उस पर इतना सारा मक्खन, चटनी और बढ़िया भर के चाय मैंने बहुत ज़्यादा पी है, लस्सी जो है ना, लस्सी मैंने बहुत पी, अपना खा पी के छुट्टी। अब थोड़ी देर में चलते हैं, हमारा सुबह 8 बजे का, अभी बज रहे हैं 1:30, तो 8 बजे निकलना है, तो अब चलते हैं थोड़ी देर में। इतने बाकी वीडियो बना लें घर पे, यूवी क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सबसे मिला देता हूँ। अब मैंने एक चीज़ और नहीं सोची है कि मैं ना हफ्ते में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 व्लॉग डालूंगा बस। तो अभी थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ और उस पर नई वीडियोस अपलोड करूंगा, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए इस वजह से ना इस पर वीडियो बहुत लेट आ रही है, कभी हफ्ते भर, कभी 10 दिन, इतना गैप कभी रहा नहीं मेरा। हमेशा हफ्ते में 4-5 व्लॉग में डालता था, लेकिन अभी हफ्ते में भी एक व्लॉग, 10 दिन में एक व्लॉग आ रहा है, तो मेन रीज़न ये है। ये बात थी, बाकी एक मैं आपको नन्हे मेहमान से मिलाता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो मैं ये नन्हे मेहमान को दिखा रहा हूँ। हाँ भाई, ये देखो भाई चुपके बैठ गए यहाँ पे, और कैसे लेटा हुआ है। आजा, आ रहा भाई, नहीं आ रहा। तो ये तो भैया आने का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अंदर घुसा पड़ा है, ठीक है। और यूवी भी खेल रहा है, अपना खा पी रहा है। अब मैं आपको सीधा दिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे, मैं भी थोड़ी देर सो जाऊं, नींद आ रही है, छुट्टी है तो कुछ तो फ़ायदा करें। और अब बनाऊंगा मैं केरला स्टोरी, जैसी देखने जाएंगे, आपको पता है केरला स्टोरी देखने जा रहे हैं, अब जैसी जाएंगे हम तब मैं ब्लॉग बनाऊंगा। अब थोड़ी देर में निकलते हैं, थोड़ी देर सोते हैं और फिर उसके बाद और भी कुछ काम करूंगा मैं, वो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए ना जून में पता चल जाएगा। जून में मैं जब नया चैनल आ जाएगा मेरा तो उसमें पता चलेगा, अभी उसकी स्क्रिप्टिंग करूँगा। सो तो नहीं पाऊँगा यार, क्योंकि 2 बजने वाले हैं, तो सोऊँगा कहाँ से। ठीक है, स्क्रिप्टिंग पे काम करते हैं और फिर केरला स्टोरी देखने चलते हैं और फिर बताते हैं इसके रिव्यू कैसा है। मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दूंगा, मैं किसी का देख के नहीं, मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दूंगा आप लोगों को। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं और मेरे भाई, हम दोनों भाई चलते हैं केरला फाइल्स देखने, बाकी 4 लोग 5 लोग और इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे, 4 लोग, सॉरी है ना, 6 लोग, तो 4 लोग और इंतजार कर रहे हैं। और अब ये है कि मतलब सुबह का सारा देख ही लिया, अब जो बात करेंगे केरला फाइल्स देखने के बाद ही करेंगे। हम मेन दोनों भाई इसलिए देखने जा रहे हैं पिक्चर क्योंकि जिस पिक्चर पे पहले से इतना बवाल चल रहा है तो अब तो उसको देख के आना बनता है कि भाई क्या बात है, कि है उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात। एक बार देख के आते हैं क्या है नॉलेज के लिए। बाकी हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारा कोई काम होता है तो अगर जैसे हम देखते थोड़े कि हिंदू है कि मुसलमान है, हम तो देखते हैं भाई डॉक्टर है, इंजीनियर है, बाल काटने वाला है या जिम ट्रेनर है, तो ये तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक बार पिक्चर देख के आ रहे हैं, देख के रिव्यू बताते हैं क्या है। ये टेररिज्म के ऊपर बनाई गई है जहाँ तक लग रहा है, जो लोग बता रहे हैं टेररिज्म के ऊपर कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके लोग बाग उन्हें टेरर फैलाने के लिए यूज करते हैं। हाँ, टेरर के लिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हिंदू की लड़की के साथ, ये क्रिश्चियन के साथ हो सकता है, ये मुस्लिम लड़की के साथ भी हो सकता है, जो बेचारी लड़की अच्छी हो, समझदार हो, उसका ब्रेन वॉश करके उसे करा जा सकता है गलत वे में यूज, तो गलत चीज़ नहीं है। हम सब एक हैं, पिक्चर देख के आओ, सब एक बार देखो तो सही, समझो क्या है, और आपस में डिबेट करो, हेल्दी डिबेट, ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, बस चलते हैं और फिर बताते हैं क्या है। ये आ गए जी, अभी क्या है, एक ये मॉल आएगा, उसके बाद ये रहा वेव सिनेमा। भैया कहीं टिकट नहीं मिली, इसी जगह पर टिकट मिली है, अब यहाँ चलते हैं फटाफट, लोग भीड़ है भाई। ये मॉल वैसे नहीं चलता लेकिन पिक्चर की वजह से चल रहा है, ये भी अब भीड़ अंदर। ये भाई से जरा पार्किंग के कुछ करते हुए, पहले पैसे ले रहे हैं, कभी लेते नहीं हैं पर आज ले रहे हैं, कोई बात नहीं। ये लगा दिया अपने धनों, क्या करो बाबू जी, छोटी गाड़ी में ही फायदा, छोटी गाड़ी में ही फायदा, आपने मेरे दिल की बात कह दी। नहीं सर,
बहुत अच्छी बात, सबसे छोटी गाड़ी बढ़िया कहीं भी लग जाती है, बड़ी गाड़ी में बहुत दिक्कत आती है। भाऊजी सही कह रहे हो आप, सब छोटी गाड़ी लगाए हो। हाँ, छोटी गाड़ी और जाएगी। हाँ बहुत अच्छा करा आप, धन्यवाद। भूख लग रही थी बहुत तेज, तो राज कचौड़ी मैंने ले ली है। 152 रुपये राज कचौड़ी के आए हैं। इस जगह जहाँ पे मैं आया था वहाँ पे लगभग खाली सही था, ज़्यादा लोग तो थे नहीं, तो ठीक है। मतलब 152 रुपये की राज कचौड़ी ये ली विद टैक्स लगा के। ये द केरला स्टोरी। अब हम देखने पहुँच गए हैं, ये सारे हमारे ऑफिस वाले ये पहुँचे हुए हैं पहले से, और ये सब अब जैसे इनको पता चला मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कह रहे हैं फोटो ले लो, फोटो हमारी फोटो लो। आवाज़ मैंने म्यूट कर दी क्योंकि कुछ वैसी बातें चल रही थी जो सबको नहीं बताई जा सकती भैया। तो बस फिर मैंने कहा चलो फ़ोटो वोटो ले लेते हैं। अब सब फ़ोटो ले रहे हैं, ये हमारे सीनियर हैं सारे साथ में जितने भी हैं, तो बस एक फ़ोटो ले ली जाए। अब ये चार पांच मैंने फ़ोटो ले ली है। अब फ़ोटो के बाद अब हम थोड़ी देर बाद अंदर एंट्री करेंगे। देखो ये बता रही हैं सब कैसे कैसे फ़ोटो लेनी है। एक किसी का भाई किसी की जान, पता नहीं पिक्चर हिट गई है फ्लॉप गई है हमें पता नहीं है। और भैया ये PS2 ये भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई, लेकिन केरला स्टोरी जब से आई है उसने अपना काम कर दिया। ये भैया हम अपना थोड़ा वीडियो बना रहे हैं सबकी, सब देख रहे हैं क्या चल रहा है। पूरा का पूरा हॉल खचा खच भरा हुआ था और बीच बीच में नारे भी लगा रहे थे लोग, जय श्री राम हर हर महादेव के। मज़ा आ रहा था, ओवरऑल बहुत मज़ा आया। तो ये मतलब लगभग पूरा हॉल भरा हुआ था। और फिर उसके बाद खाना खाने जा रहे थे तो देखा MBA चाय वाले के, देखा देखो सी बंद हो गया इसका, MBA हाय वाला। और सच में जिस हिसाब से काम कर रहा है लोगों की हाय लग रही है इसे, पर इसमें क्या कर सकते हैं यार, काम है बिजनेस है चलता है नहीं चलता। तो पूरा खाली पड़ा था, हालांकि रात को 11:30-12 बज रहे हैं तो इस टाइम तो खाली होगा, लेकिन ये अब हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखो ये मैं कुछ बोल रहा हूँ, MBA चाय वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी कर रहा हूँ आवाज़ साफ़ नहीं आ रही इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और बस मैं अपने आप को बहुत बड़ा व्लॉगर समझ रहा हूँ, पता नहीं हूँ कि नहीं ये तो पता नहीं। दोस्तों अभी की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म हम देख कर आ गए हैं, द केरला स्टोरी। और रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन मुझे ये है कि इस टाइम रिव्यू मेरे को देना है क्योंकि मैंने पूरी मूवी देखी। और मूवी की मैं आपको एक खास बात बताऊँगा कि आप जब भी मूवी देख रहे होगे तो मूवी में आप एक मिनट के लिए भी कुछ और नहीं सोचोगे, पूरी मूवी आपको एंड तक शुरू से लेकर एंड तक बांध के रखती है। इस पिक्चर में पूरी वो स्टोरी दिखाई है कि कैसे लड़कियों को ट्रैप में डाला जाता है। मैं किसी धर्म के लिए नहीं बोलूँगा, मतलब ये मुस्लिम धर्म में नहीं है कि मैं किसी धर्म के लिए बोलने लग जाऊँ। उसमें ये भी दिखाया है कि मुस्लिम धर्म में कितने अच्छे लोग भी होते हैं। जब एक सीन आता है कि वो जिस लड़की को ट्रैप में फंसा लेते हैं तो वो लड़की सुसाइड कर लेती है, तो उसमें जो उस लड़की जो हिंदू परिवार की लड़की होती है उसके जो दोस्त होते हैं, उसके माता पिता के जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी मुस्लिम होते हैं, तो उसके जब जनाजा निकल रहा होता है अंतिम शव यात्रा होती है तब उसमें मुस्लिम लोग भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से नफरत करना शुरू कर दें, लेकिन इसमें हमें संभल के रहना है कि ऐसा हो सकता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, मैं ज़्यादा सस्पेंस तो नहीं खोलूंगा, मैं तो आपसे कहूँगा मूवी देख कर आओ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई सारी चीज़ें ही बता दूंगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें हमारे बच्चों के साथ हो सकती हैं। और मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, मूवी में नहीं दिखाया लेकिन मैं इसमें बताना चाहूँगा, ये सिर्फ हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, ये मुस्लिम लड़कियों के साथ भी हो रहा है। अब आप पूछोगे मुस्लिमों के साथ कैसे, हिंदू या क्रिश्चियन लड़की को कन्वर्ट करना पड़ता है लेकिन मुस्लिम लड़की को कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा, लेकिन ये केस बहुत कम है, मतलब लगभग 1-2%। तो इसलिए ये बात अभी सबके सामने नहीं आई है और इस पर कोई प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि जो बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज है ना उनमें क्या हो रहा है, उनमें लड़के लड़कियों को जो स्मार्ट लड़के हैं वो नॉर्मल लड़कियों को फंसा के ISIS में उन्होंने भर्ती कराया था, ये हुआ था उस टाइम पे, लेकिन क्योंकि वो सेम रिलीजन में था तो इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हिंदू मुस्लिम होता है तो थोड़ा सा आपको पता है एक बनता है कि इस धर्म से उस धर्म में, या ये से वो, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, ये बनता है। लेकिन हाँ इसमें हम सबको एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, खासकर अपने बच्चों को। इसमें आप एक चीज़ गांठ बांध लो, जिन भी माता पिता के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, आप सबसे पहले उससे उसके दोस्तों का पता करो कि उसके कौन कौन दोस्त हैं, उससे सारी बात बोलो कि वो शेयर करे, कोई बात नहीं, चाहे कोई भी बात अपनी माँ से करे, लड़की है तो माँ से तो हर बात शेयर करे, लड़का है तो भाई, बड़ा भाई है तो भाई से करे, पापा से नहीं कर सकता तो वो भी माँ से करे, लेकिन शेयर करे बातों को ना, कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा है
बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी बातें दिखाई। मैं ज़्यादा तो मैंने जैसे बताया मैं बोलूँगा नहीं, आप सब लोग एक बार पिक्चर देख के आओ और फैमिली के साथ देख सकते हो पिक्चर, कोई ऐसी कोई वो नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं पिक्चर को 5 में से 4 स्टार दूंगा, 4.5 स्टार दूंगा। आधा स्टार मैं कोई काट नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ आधा स्टार मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें और बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन कोई गलत नहीं है। 5 में से चलो 4.5 के 5 दे देते हैं, कोई गलत नहीं है, सही पिक्चर है, अच्छी है, देखनी चाहिए। ऐसी पिक्चरें बहुत कम आती हैं हमारे टाइम में। आप ये देखो लास्ट आई थी 2022 में द कश्मीर फाइल्स, अब उसके बाद आई है द केरला स्टोरी, ये पूरे 1 साल बाद आई है। तो ये बहुत कम आती हैं ऐसी पिक्चरें कि हमें देखनी हो, मतलब जो हमें मतलब अपनी तरफ खींचे। सच में मैं ज़्यादा मैं पिक्चर देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन मुझे इस पिक्चर ने अपनी तरफ खींचा। और पिक्चर तो क्या है, मैं टाइम पास करने के लिए चला जाता हूँ, चल मूड फ्रेश कर लेते हैं, लेकिन ये पिक्चर अट्रैक्ट कर रही थी मेरे को अपनी तरफ। तो मुझे जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था, मैं तब से ही कर रहा था कि ये पिक्चर देख कर आनी है, और देखी पिक्चर बहुत अच्छी है, दोबारा भी देखने जाऊँगा और अपने दोस्तों को बता रहा हूँ कि देखो, और मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी देख कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो भी ये बात को मान रहे हैं कि हाँ यार ये कन्वर्जन करके फिर लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। तो मेरी तरफ से ये था केरला स्टोरीज को 5 में से 5 स्टार, अच्छी पिक्चर है, देखो फैमिली के साथ देखो और समझो सीखो और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, ठीक है, बस यही कहना है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।